हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्टोरी में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट था और आपने किसी डिवाइस में उसको लॉगिन किया, वो डिवाइस आप सेल कर देती हो, या दोस्तों किसी भी दोस्त को आप अपना ईमेल और पासवर्ड दे देती हो, किसी भी वजह से आपका जो अकाउंट है वो फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है, आपके पास लॉगिन नहीं होता, आप उसका नेम और उसका ईमेल पासवर्ड जो था वो सब कुछ चेंज हो चुका है, और आपको अगर हैक प्रॉब्लम आ रही, किसी ने हैक कर लिया दोस्तों, अगर किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया तो आप अपने फेसबुक टीम वालों को किस तरह बता सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है और किसी बंदे ने दूसरे ने लॉगिन किया, उसमें उसने अपना जो ईमेल है, पासवर्ड है और आपका जो नेम है वो किस तरह चेंज कर लिया है, तो आप उसको किस तरह ब्लॉक कर सकते हैं ताकि फेसबुक टीम उनको उस बंदे को चेकआउट करे और उसका जो अकाउंट है आपका हैक हुआ है वो ब्लॉक हो जाए और वो इस्तेमाल ना कर, जो हैक अकाउंट हुआ है उसको वापस भी ला सकते हैं और दोस्तों दूसरे बंदे का अकाउंट डिसेबल भी कर सकते हैं ताकि वो यूज़ ना कर सके। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीट, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900 लाइक, लाइक कर देखें दोस्तों, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट। दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो किसी ने हैक किया है या दोस्तों आपका चोरी अकाउंट हो चुका है, नेम वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है, आपने अपना न्यू अकाउंट एक बनाना है या दोस्तों किसी दोस्त का आपने अकाउंट ले लेना है, उसको कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फेसबुक को आपने ओपन करना है, जहाँ से दोस्तों आपने ओपन करना है यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने सर्च बार में अपना उसी अकाउंट को सर्च करना है जो आपका अकाउंट किसी ने चोरी किया है या दोस्तों नेम उसका चेंज हो चुका है, हैक कर लिया है किसी ने, तो आपने उसको रिकवर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने उसका नेम लिखना है, नेम लिखने के बाद वही आपके पास जो अकाउंट आ जाएगा, फ़र्ज करें यहाँ से कोई भी अकाउंट है तो मैंने अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस प्रोफाइल उसकी ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइंड रिपोर्ट आर रिपोर्ट प्रोफाइल सपोर्ट आर प्रोफाइल, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमने अपनी जो प्रोफाइल के में प्रॉब्लम आ रही है हमने वो ढूंढ लेनी है, यहाँ से हमारा हैकिंग प्रॉब्लम है तो हमने क्या करना है, ये स्पैम आर हार्मफुल, तो हम सेकंड नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने आपने एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर सकते हैं, या दोस्तों आपने क्या करना है यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे रिपोर्ट रिसीव, यहाँ पे उनके पास सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा, तो आपने क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद ये खुद ब खुद उनके पास रिपोर्ट चली जाएगी, तो यहाँ पे आपने उनको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से आपने एक दफ़ा कर लेना रिपोर्ट प्रोफाइल, इसके ऊपर भी आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको भी सबमिट कर देना है। सारा कुछ सबमिट होने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है यहाँ पे डन, तो डन करेंगे तो हम सीधा उसी प्रोफाइल के ऊपर वापस आ जाए, आपने दोबारा से वही रिपोर्ट दोबारा उनको फेसबुक टीम वालों को करनी है, तो दोबारा हम यही स्पैम आर यहाँ पे आपने कर लेना है। उसके बाद एक दफ़ा आपने ये कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तीसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जो लिखा हुआ है नॉट यूजिंग ए रियल नेम, तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर भी क्लिक करना है ताकि वो आपने उसने नेम चेंज किया तो उसका रियल नेम नहीं है, आपका अकाउंट जो है उसने हैक किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने डन करना है, तो ये भी रिपोर्ट उनको चली जाएगी। तो इस तरह दोस्तों आप फेसबुक टीम को बता सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है, फिर वो उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद दोस्तों उसके पास भी ब्लॉक जो आइडेंटिफाई करेगा तो वो ब्लॉक उसका अकाउंट हो जाएगा अगर उसने आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो जी फ्रेंड, आई होप के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी अगर हैकिंग प्रॉब्लम आ रही तो वो भी खत्म हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।